मैंने इंजीनियरिंग किया उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग में आने लगा लिखती गई हमारा बेटी में मैं नहीं हूं, दीरे दीरे पता कर रही हूँ क्या है, यहां की है तो मैं स्पेशली थैंक करूंगा मोहिनी मैम को कि इन्होंने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रखा रेवाड़ी शहर में कुछ नया लाने की कोशिश की तो मैं तो इनको शुक्रिया करूंगा इनको मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू नमस्कार मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा आज की शुरुआत एक कहानी नई पहल से इस लघु फिल्म का ट्रेलर भी आप मेरे साथ साथ देखते रहिए कहानी से लेकर पात्रों तक सब नाम काल्पनिक है मगर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी इस कहानी को सुनकर नम हो जाएगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जिद्दी सास कमला की कहानी जो पोत्र मोह में फंसकर अपनी लाडली बहु दिशा को घर से निकलने के लिए मजबूर कर देती है सास का ऐसा पोत्र मोह तब है जब पहले से ही दिशा एक बेटे दीपांशु की माँ बन चुकी है शुरुआत में दिशा अपनी सास या पति आदर्श के दबाव में लिंग जांच के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्र जाने के लिए तैयार हो जाती है मगर जब गर्भस्थ शिशु के कन्या होने की जानकारी मिलती है तो सास अपनी बहू पर गर्भ गिराने का दबाव बनाती है दिशा का पति भी अपनी माँ का साथ देता है लेकिन दिशा स्कूल में ली गई शपथ को याद करते हुए ऐसा संकल्प लेती है जो इस कहानी को नया मोड़ दे देती है और दिशा ऐसी महान नायिका बनकर उभरती है जिनका अभिनय दर्शकों को रुला देता है वह सास और पति की गर्भस्थ शिशु की हत्या की इच्छा को ठुकरा कर सास और पति की देहली लांग कर अपने माई के पहुंच जाती है और लगभग छह महीने बाद कन्या शिशु को जन्म देती है वे अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए मायके पर निर्भर भी नहीं रहती बल्कि सिलाई मशीन चलाकर बेटी बानी को पढ़ाती है यही कन्या बानी बाद में बड़ी होकर डॉक्टर बनती है और एक दिन सड़क पर घायल पड़े अपने ही उस भाई दीपांशु की जिंदगी बचाने का, का काम करती है जो उसकी दादी कमला के पास रह रहा था जब परिवार के लोग नशे के कारण दुर्घटना का शिकार हुए घायल दीपांशु से मिलने आते हैं तो पूरे परिवार का मिलन होता है यह अंतिम भावपूर्ण दृश्य है आंखें नम कर देता है आज इसी हरियाणवी शॉर्ट फिल्म नई पहल का प्रीमियर शो यहाँ के बीएमजी मॉल के सिनेमा घर में लॉन्च हुआ खास बात यह है कि ठेठ मराठी संस्कारों में पली बड़ी मोहिनी पाटिल इस शैली की फिल्म नई पहल की लेखिका व निर्माता है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ नशे से दूर रहने का संदेश दिया है महाराष्ट्र मूल की मोहिनी रेवाड़ी के अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निन रविंद्र पाटिल की पत्नी है ओ एल जी फिल्म के बैनर तले निर्मित इस फिल्म के संवाद प्रभावित करते हैं प्रीमियर लॉन्च के अवसर पर उपायुक्त मोहम्मद इमरान राजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने फिल्म की लेखिका व निर्माता मोहिनी स्वप्न पाटिल निर्देशक रणवीजा राव पटकथा एवं संवाद लेखक साहित्य का सत्यवीर नाहड़िया सहित इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों एवं तकनीशियन टीम का उत्साहवर्धन किया इमरान राजा ने जिले में लिंगानुपात स्थिति बेहतर होने की उम्मीद व्यक्त की जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने हरियाणवी बोली एवं संस्कृत पर केंद्रित इस शॉर्ट फिल्म के संदेश को बेहद प्रासंगिक बताया एसीडी सी रविंद्र पाटिल ने ओ फिल्म्स को रचनात्मक टीम वर्क के लिए बधाई दी बाद में निर्माता मोहिनी स्वप्निन पाटिल व निर्देशक रणविजय राव ने पत्रकारों से बातचीत में फिल्म से जुड़ी सभी जानकारी दी अब सुनिए पत्रकार से बातचीत में उन्होंने क्या कहा जी हरियाणा में आखिर एक साल ही हुआ है और यहाँ के लोगों का सब सपोर्ट है प्रेम है इसकी वजह से ये बना है, इसे मैं मानती हूँ एक्चुअली महाराष्ट्र में जिस एरिया में मैं थी वहाँ पे तो मैंने इसके बारे में सुना नहीं कि सेक्स रेशो कम है बट यहाँ पे जब मैं हरियाणा में आई तब मैंने एडीसी साहब के स्पीचेस में बहुत बार सुना कि रेवाड़ी का सेक्स रेशो कम है फिर जो रेवाड़ी के पहले डीसी साहब थे गर्ग साहब उनका भी मैंने सुना था कि दक्षिण हरियाणा में सेक्स रेशो कम है और ये चिंतनीय बात है इसलिए फिर हमने ये सब्जेक्ट चुना क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करे थे तो फिर हमने करा एक्चुअली हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का ऑडिशन लिया था आस्था कुंज के भी कुछ बच्चों का ऑडिशन लिया था उसमें से आरजू आरजू है उसको हमने प्लेटफॉर्म हम दे पाए तो मुझे बहुत खुशी और उसने बहुत अच्छे से किया है मैंने उसको एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम में देखा था कि वो बहुत टैलेंटेड है तब से मेरे मन में था कि जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे शूटिंग करेंगे तब इसको प्रोग्राम हरियाणा सच में सुंदर है, है। यहाँ के लोग बोलते हैं वो थोड़ा खड़ा ना उनका